नमस्कार। इस समय उपस्थित हैं लोकसभा 78 भदोही के विकासखंड सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा बिसापुर में, जहां पे आप देख सकते हैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। लगातार ललितेश पति त्रिपाठी जहां भी जा रहे हैं हम सुबह से देख रहे हैं, वहां पे एक हुजूम उमड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है एक बदलाव की बयार चलने लगी है। स्वागत है सर चैनल में। क्या कहेंगे, जहां भी जा रहे हैं सुबह से हम लोग देख रहे हैं लगातार भीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। शाम होने को आया है लेकिन संख्या में कोई कमी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी भी है और आप भी लगातार पानी पी करके बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भदोही के समस्त जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह का स्नेह और प्रेम मिल रहा है ये मुझे अस्वस्थ कर दे रहा है। मुझे लग रहा है कि क्षेत्र के सारे लोग भी अस्वस्थ हो जा रहे हैं कि देश में बदलाव की ओर अब हम लोग के कदम, इंडिया गठबंधन के कदम बढ़ते जा रहे हैं। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से बदलाव की आगाज इसी भदोही की धरती से 25 तारीख को उठेगी और 4 तारीख तक देश में बड़ी बदलाव की स्थिति। सर, एक सूचना मिल रही है 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई बड़ा चेहरा भदोही में आने वाला है? सब आएंगे, एक से बढ़ के एक नेता आएगा चुनाव में, सबका स्वागत है। मेरा अनुरोध देश के प्रधानमंत्री से ये है कि भदोही के लिए पिछले 10 साल में आपकी सरकार ने क्या क्या किया है ये गिनाने का काम करिएगा, तो हो सकता है भदोही में कुछ आपको सहयोग मिले। अगर आप जिस तरह के भाषण आप इधर उधर दे रहे हैं, अगर उस तरह का भाषण आप दीजिएगा तो निश्चित रूप से भदोही की जनता आपके खिलाफ मतदान करने जा रही है और बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। अब सीधा बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम बिहारी उपाध्याय जी से। जी सर, क्या कहेंगे, लगातार सुबह से देख रहा हूं। देखिए, आपको बता दें कि जनता के दिमाग में जो बैठ गया इस बार कनफुकवा काम नहीं चलेगा, बहुरुपया काम नहीं चलेगा। अब कनफुकवा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ चाहे बीजेपी के पूरे संसद के लोग आ जाएं, लेकिन भदोही की जनता ने ये ठान लिया है, ये संकल्प कर लिया है कि हमारे इस यंग और इस तेज तर्रार ललितेश जी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनकर संसद में भेजेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के संगठन और यहाँ के चुनाव के प्रबंधन के लिए भेजा है। हमारे भाई ललितेश त्रिपाठी जी जो TMC और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम सभी इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलकर ललितेश भाई को या भारी बहुमत से विजयी। आज आपने इस कार्यक्रम का संयोजन कराया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रत्याशी बड़े भैया ललितेश त्रिपाठी जी MLC साहब चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं और आए हैं। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत बंधन करता हूं। यहां की जनता, यहां की आवाम बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर समय यहां के लोगों का वोट लेकर उतड़ी पार हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आदरणीय ललितेश त्रिपाठी भैया को यहाँ के सांसद बना। अल्पसंख्यक नेता ललितेश जी की बहुत शानदार जीत होने जा रही है और समाजवादी पार्टी का समर्थन इनके साथ है और हम सारे लोग इनके साथ हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। सारे लोग एकजुट हैं और सारे लोग तैयार हैं ललितेश पति त्रिपाठी जी को जिताने।